सो ही गाइज, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें धमाकेदार अपडेट्स देने वाला हूँ। तो फाइनली हमारे साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो चुकी है एंड अब आपको डेली वीडियो देखने को मिलते रहेगी। तो अब बात करते हैं कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली वो अपडेट्स होने वाले हैं कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 53 के बारे में एंड उसके समरी एंड टाइटल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आखिर उस एपिसोड के अंदर मुझे प्रीव्यू के अंदर एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसे देखकर मैं शॉक हो गया, यानी कि हर एक पोकेमॉन फैन शॉक हो चुका है उस चीज़ को देखकर। उसे एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर इसमें क्या होने वाला है एंड कोई भी हेट नहीं होने वाली है। सेकंड हम बात करेंगे, कुछ हमें एक पोस्टर देखने को मिला जिसमें हमें गलार के पोकेमॉन्स देखने को मिले हैं एंड एक पोस्टर में हमें ग्रीन निंजा देखने को मिले एंड काफ़ी सारे अपडेट्स देखने को मिले एक ही पोस्टर से। और लास्ट में हम इस वीडियो के बात करेंगे कि हमें जो एक गेम देखने को मिलेगी, जो इस वीडियो के अंदर पिछली बार मैंने वीडियो में बताई थी कि वो गेम कब लॉन्च होने वाली, निटोंडा कब लॉन्च करेगी, तो फाइनली उसकी डेट आ चुकी है एंड वो लॉन्च होने वाली, उसी डेट को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। एंड ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना मुझसे बात करने के लिए, जहां पर मैं पर्सनली बात करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। तो चलिए फिर इस वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। गाइज जब हम बात करते हैं प्रीव्यू के बारे में, तो बेसिकली उस प्रीव्यू को देखकर हर एक पोकेमॉन फैन चौंक जाए। उस प्रीव्यू में हमें ऐसी चीज़ देखने को मिली, तो बेसिकली उस प्रीव्यू की जब स्टार्ट होती, जब मैंने उस प्रीव्यू को देखा एग्जाम से एकदम एक्साइटेड होकर कि मैं भाई प्रीव्यू क्या आया है, तो सच में उस प्रीव्यू को देखने के बाद मैं चौंक गया कि उसके अंदर गोन इश्यूकिन को कैच कर लिया एंड बेसिकली हमेशा की तरह ये जंगल में जा रहे होते हैं एंड वहाँ पर इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है एंड उसकी तरफ जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर कुछ गैंग के लोग कर रहे होते हैं स्वीकिन को तंग कर रहे होते हैं एंड गो हमारा एक बॉडीगार्ड की तरह एक बॉल को फेंकता है, पोकी बॉल को, एंड स्वीकिन उसमें कैच हो जाता है। यानी कि सब लोग हैरान हो जाते हैं कि गो ने स्वीकिन को कैच कैसे कर लिया आखिर। एंड बेसिकली यही चीज़ हमें पोकेमॉन एपिसोड की 53 में देखने को मिलने वाली है। बट भाई यार, जब ऐश एकदम सूखा रह चुका है, यानी कि उसे एक वाटर टाइप का कुछ भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं देखने को मिले, हमारे गो ने स्वीकिन को एक वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच कर लिया। तो बेसिकली कुछ आने वाली से रिलेटेड अगर अपडेट होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अब बात करते हैं कि हमें कुछ गलार के पोकेमॉन्स देखने को मिले एक पोस्टर के अंदर एंड बेसिकली मैं तुम्हें हर छोटी से छोटी अपडेट देता रहता हूं एंड इस अपडेट में भी मैं कुछ गलार के पोकेमॉन्स बताने वाला हूं जो हमें मुझे एक वीडियो के अंदर, यानी कि एक फोटो के अंदर देखने को मिले। बेसिकली वीडियो तो थोड़ा नाम निकल गया। अब बात करते हैं उस पोस्टर के बारे में जो हमें देखने को मिला, जिसमें हमें हिंट मिलता है कि क्लाइमेट एंड बोनी रिटर्न होने वाले हैं, यानी कि एक छोटा सा हिंट मिलता है कि वो लोग रिटर्न होने वाले हैं। तो ये रहा वो पोस्टर, यानी कि इस पोस्टर के अंदर आपको पिकाचू के साइड में पोकेमॉन दिखाई दे रहा होगा, डिडेने जो कि हमारी बोनी का एंड इधर एक हमें कूट के अंदर हमें क्लाइमेट का पोकेमॉन दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इससे बात पता चलती है कि ये दोनों रिटर्न होने वाले हैं कुछ आने वाले एपिसोड के अंदर। अब हम बात करते हैं ग्रीन निंजा वाले पोस्टर के बारे में। तो बेसिकली ग्रीन निंजा वाले पोस्टर में हमें देखने को मिला था छोटा सा एक पोस्टर जिसके अंदर कुछ सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। बेसिकली ये रहा वो पोस्टर, यानी कि इस पोस्टर में तुम्हें काफ़ी सारी ईवीज के देखने को मिल रही होंगी एंड कुछ गैरी देखने को मिला एंड बेसिकली इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स हैं एक पोस्टर के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके पोस्टर के मेन के बारे में कि इसके अंदर हमारा ग्रीन निंजा कहां पर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अगर तुम इस मीडियम में देखते हो तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि यहां पर ग्रीन निंजा एंड ऐश के कुछ पुराने पोकेमॉन्स देखने को मिल रहे हैं एंड ऐश के कुछ राइवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसका मतलब होने वाला है, यानी कि ग्रीन निंजा भी हमें रिटर्निंग में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब हमें काफ़ी सारे प्रूफ्स देखने को मिल चुके हैं तो जब कोई चीज़ रिटर्न हो सकती है, यानी कि गैरी, यानी कि उसके बाद में हमें ग्रीन निंजा देखने को मिल सकता है एंड कुछ करेक्टर देखने को मिल सकते हैं गैरी और आरएस के रिटर्निंग के बाद में। अब हम बात करते हैं उस गेम के बारे में कि आखिर वो गेम कब लॉन्च होने वाली है इंडिया और वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। तो बेसिकली वो एक गेम होने वाली है, पीसी टाइप गेम होने वाली है एंड वो किसी एक गेम का सक्सेसर होने वाली जो कि पोकेमॉन स्नैप, यानी कि एक ओल्डर वर्जन का सक्सेसर गेम होने वाली है पोकेमॉन स्नैप न्यू, जिसका नाम होने वाला है एंड बेसिकली पीसी टाइप एक गेम होने वाली है जो कि 6GB की गेम होने वाली है। और ये गेम काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाली है, आफ्टर 3 मंथ्स 30 अप्रैल को ये गेम लॉन्च होने वाली है एंड निटोंडा इसे लॉन्च करने वाली है अपने डिवाइसेस के लिए एंड बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में लॉन्च होने वाली है, यानी कि कमाल की गेम होने वाली है एंड इसमें आपको कमाल के शानदार देखने को मिलने वाले हैं ग्राफिक्स
क्योंकि एक आप इसे इस फोटोज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इसके ग्राफिक्स कैसे होने वाले हैं। तो बेसिकली आज की अपडेट वीडियो यही थी एंड आपको अब डेली देखने को मिलेगी। ये तो एक छोटा सा पीस था, एक वीडियो का थोड़ा सा ट्रेलर था अपडेट्स का, एंड अब आने वाले अपडेट्स आपको कल की वीडियो परसों की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बने रहना हमारे चैनल के साथ एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। हमारी फैमिली समझ कर हमारी फैमिली को हमें विक करना एंड ऐसे सपोर्ट करना, और आज के बाद मैं हर एक करेक्टर क्रिएटर को सपोर्ट करूंगा। यानी कि अगर तुम लोग मुझसे प्रमोशन करना चाहते हो जो जाओ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दो भाई जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, एंड ऐसे म्यूजिक कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब कर देना। एंड जय वंदे मातरम, जय हो हिंद माता।